को भी अंदाज़ा लगेगा। आज हमारे यहाँ आरसीपी बाबू, आरसीपी सिन्हा जी जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। आने के बाद जो है सभी लोग को उत्साह बढ़ाएंगे, अति पिछड़ों को, और उनके आने से जो दो साल से कोरोना काल में जो कटे हुए लोग थे, वो आज हम लोग बिल्कुल जो है सो मजबूत हो गए। दो साल से कोरोना में हम लोग बिल्कुल ये त्रस्त थे, लेकिन उनका कहना था कि भाई सबसे जाके मिल करके नया तरोताज़ा कर देना है, तो तरोताज़ा कर देना है, तो हम लोग तरोताज़ा हो गए। और पार्टी के प्रति जो है हम लोग अम्बेडकर मार्ग और कर्पूरी मार्ग, ये दोनों हम लोग अपनाएंगे। और कल आने वाला दिन में सरघाटी विधानसभा में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग काफ़ी मजबूत होगा, और हम लोग मजबूती में तमाम पदाधिकारी सब लग गए हैं। क्या मांग रहेगी आपकी आने वाले से? मांग रहेगा कि हमारे इस्पात मंत्री जो हैं, जो केंद्र में हैं, तो हमारे यहाँ बिहार से गए हैं, जदयू कोटा से गए हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई जो इस्पात मंत्री हैं, तो हम लोग के क्षेत्र में भी, गया डिस्ट्रिक्ट में या मगध में, कहीं पर सरघाटी में, हमें नहीं, जिला बनावें, प्लस कुछ विकास का काम करें, फैक्ट्री लगावें, इंडस्ट्री लगावें, ताकि हम लोग को भी मनोबल को पूरा बढ़े और यहाँ के गरीब जनता गुरुआ को सबको भला हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुदत्त प्रजापति, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, प्रखंड अध्यक्ष सरघाटी। आज हम लोग जो है जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सरघाटे विधानसभा के सारे लोग एकजुट होकर के माननीय सांसद, पूर्व जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी का स्वागत समारोह हम लोग यहाँ पर अभिनंदन नंदन करने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए। और आरसीपी जी सिंह जो हैं हमारे अति पिछड़ा के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं, उनके मार्ग पर आज चल करके हम लोग एकजुट होकर के अति पिछड़ा जो है बिहार सरकार में हम लोग दावेदारी कर रहे हैं कि आज जिस प्रकार एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला है। नीतीश कुमार जी ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि हमारी जितनी आबादी है अति पिछड़ा के हिसाब से, उतने के हिसाब से हमें जो है सत्ता में भागीदारी हो। अच्छा। चाहे एजुकेशन में भागीदारी हो, सारे जगह जो है हमारी भागीदारी जो है, हमारी आबादी जो है 70% से 80% तक है, और हमारा सीटिंग व्यवस्था जो है हमारा 49.60 जो है, यानी लमसम जो है 50% ही सुरक्षित सीट रखा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ शर्मा हुआ, और मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी हूं। कि हमारे आरसीपी सिंह जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, उनके साथ साथ ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सहयोगी भी रहे हैं, वैसी परिस्थिति में कोरोना काल के चलते राजनीतिक शून्यता हो गई थी, आंदोलनरत नहीं थे कार्यकर्ता लोग, तो कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया है, और उस परिस्थिति में आज हम लोग जीटी रोड के अप लाइन में खड़े हैं, क्योंकि नई सिरघाटी के नई बाज़ार में जीटी रोड के अप लाइन में हम लोग खड़े हैं माननीय सांसद इस्पात मंत्री को स्वागत करने के लिए। और हमारी इच्छा है कि जब केंद्रीय मंत्री हैं तो हम उनके समक्ष एक मांग रखेंगे कि सिरघाटी बहुत प्रतीक्षित जगह रही है जिला बनने के लिए, वैसी परिस्थिति में जिला बने, प्लस हमारे कोटे से जब केंद्रीय मंत्री हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए इस्पात से संबंधित कोई इंडस्ट्री का लगाने का काम करें, ताकि यहाँ के बेरोजगारी कुछ दूर हो सके। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम हुआ राजेंद्र शर्मा, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार। हम लोग मैंने हज़ारों के संख्या में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने लोग थे, मैंने मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग हमारे थे यहाँ पे आपके हमजापुर मोड़ पे, और इस्पात मंत्री जी आए हैं, पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार घूम रहे हैं, चूँकि इस्पात मंत्री बने हैं वो, तो एक उम्मीद है बिहार को कि कुछ यहाँ पे उद्योग लगेगा। बहुत हज़ारों हज़ार यहाँ पे बेरोज़गार हैं, लॉकडाउन में हुआ, लॉकडाउन में काफ़ी लोग कई राज्य से यहाँ पे आए हैं, तो उनको जो उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज लगाया जाए, उद्योग लगाया जाए, तो